जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का चैनल में बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं। आए दिन धोखाधड़ी बहुत बढ़ रही है और साइबर क्राइम जो कि दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ रहा है। बैंक अकाउंट से आपने पैसे निकाले नहीं है लेकिन फिर भी पैसे निकल रहे हैं, ATM में ठगी हो रही है और कई सारे नए नए आयाम। आपके फ़ोन नंबर पर फ़ोन आएगा, आपसे आपके बैंक डिटेल पूछेंगे और आपको आपसे बैंक डिटेल पूछने के बाद आपसे पैसे निकाल देंगे। रोज़ अब रोज़ अखबारों में देखेंगे ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। दूसरी बात है कि अब जो हाईटेक जो टेक्नोलॉजी हो गई है वो है नंबर। आपका आधार जो लिंक है नंबर, और वही अकाउंट नंबर से लिंक भी है वही नंबर, तो आजकल का जो क्राइम है वो नंबर पर आधारित हो गया कि आप अपना जो नंबर है जो बैंक अकाउंट से आधार लिंक जहाँ से भी लिंक है उस नंबर को अननोन पर्सन, अज्ञात पर्सन या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर कि जहाँ से डाटा बेचते हैं वो, जैसे कोई से व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक आई, आप उस लिंक को शेयर करें और आपको फ्री में 5 GB डाटा दें या 10 GB डाटा दें या कितना भी डाटा दें, ये बात कहते हैं वो, आप उस पर लिंक को क्लिक करते हैं, अपना जानकारी पूरी फुलफिल कर देते हैं, आपको कोई डाटा नहीं मिलता और आपको कहा जाता है कि 10-20 लोगों को उसे शेयर किया जाए, ये बात कही जाती है। और वो दरअसल बात ये होती है कि आपका जो डाटा है, जो आपका नंबर है, जो आपका नंबर है, आपका घर का पता है, आपका नाम है, ये टेली करने के बाद वो साइबर क्राइम के क्राइम करने के साथ ही आपसे आपके अकाउंट से पैसे को हैक कर लेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे। ये कई कोशिशें जारी हैं, कई सारे ऐसे फ्रॉड केस आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। तो आपको सावधान रहना है कि अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी जगह पर, किसी भी व्यक्ति को देने से पहले 10 बार सोचें। सरकारी जो भी हमारे कामकाज है, जैसे मान लीजिए आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, वहाँ बिल्कुल सरकार की जितनी भी है हमारी पॉलिसी वहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं, पर जो बाहरी कंपनियाँ होती है, बहुत सी प्राइवेट कंपनियाँ हैं, बहुत सी बाहरी सोर्स हैं, वो आपसे नंबर लेते हैं और फिर आपसे ठगी करते हैं। तो ये सावधानी का बहुत बड़ा, ये सावधान रहने का मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि ये जून से जून जो लिखा है साल भर के लिए, इसका जो ग्राफ है 2017 में 10% था, मतलब 10% से मतलब है कि जो क्राइम होता था साइबर क्राइम, बैंकिंग क्राइम जिसमें कि पैसों की धोखाधड़ी होती थी, वो 10% था। अन्य सभी में जैसे पैसे निकाल लेना, छीन लेना, उसमें 10% साइबर इस तरह की धोखाधड़ी थी। 2018 में ये 20% हो गया और 2019 और 20 में अनुमानित है कि 50-40% हो सकता है। तो आप इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल सिक्योर और सुरक्षित रहें, क्योंकि कभी भी आपके साथ धोखा हो जाए। और ख़ासकर एक और बात है कि जो ये जो जितनी भी ये मोबाइल ऐप से ट्रांजेक्शन के लिए अकाउंट अगर आप लिंक करते हैं, तो एक प्राइमरी अकाउंट रखें जिसमें ज़्यादा पैसे नहीं रहे, अपना मेन अकाउंट से परहेज करें तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो तो अपना मार्केटिंग करते हैं, वो तो अपना प्रचार करते हैं, पर आप इन चीज़ों से परहेज करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि धोखा कभी भी किसी के साथ हो सकता है। इस इंटरनेट के युग में कुछ भी संभव है, आप ये बात मैं कह देना चाहता हूँ, ये मैं नहीं कहता हूँ, बड़े बड़े IT एक्सपर्ट ये बात कहते हैं। तो इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ये बहुत आर्थिक मसलों से जुड़ी बात है और एक सच बात है। मुझे नहीं पता आपको वीडियो कैसा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।